देश के दक्षिणी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल निजात मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थान पर भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, दिल्ली NCR के इलाकों में अभी कुछ दिनों तक धुंध जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर मौजूद है। इसके दक्षिण अंडमान सागर में उभरने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार तक दक्षिण आंतरिक अंडमान सागर के ऊपर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 15 नवंबर को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन के रूप में तब्दील होने की भी संभावना है। इससे व्यापक मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और इसके आसपास के इलाकों पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर गहरे निम्न दबाव के रूप में तब्दील हो गया है। इससे बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। उधर हवाओं के मंद पड़ने से दिल्ली NCR के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना रहा। मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक उक्त मौसमी बदलाव के चलते 13 से 15 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, 14 नवंबर को अलग अलग स्थानों पर ज्यादा भारी बारिश की आशंका है। यही नहीं, अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। इससे दिल्ली NCR के इलाकों में धुंध और प्रदूषण की स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान भी है। तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हल्के से मध्यम बारिश संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।